जब जब बिजली जाएगी तो मामा की याद आएगी, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। जी हाँ, भोपाल में चुनाव प्रसार प्रचार करने के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने सीएम कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि जब मुख्यमंत्री कमलनाथ वोट डालने गए तो बिजली चली गई। तो वहीं उन्होंने दिग्गी राजा पर भी तंज कसते हुए कहा कि दिग्विजय तो अपने साथ जनरेटर लेकर चलते हैं। देखिए एमपी न्यूज की इस खास खबर में। राजधानी भोपाल के सियासी संग्राम में शिवराज सिंह लगातार साध्वी प्रज्ञा के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस कड़ी में राजधानी भोपाल में कांग्रेस को जमकर आड़े हाथ लिया। शिवराज ने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, जब जब बिजली जाएगी मामा याद आएंगे। मामा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कमलनाथ वोट डालने गए वहीं बिजली चली गई। मोबाइल से वोट डाला, दिग्गी राजा तो जनरेटर साथ लेकर चल रहे हैं। अरे मेरे बहनों और भाइयों, बिजली के बिल तो बड़े बड़े आ रहे हैं, लेकिन बिजली आजकल खूब जा रही है। जा रही कि नहीं जा रही? जब जब बिजली जाएगी मामा याद आएगा। अरे कमलनाथ वोट डालने गए, जब वोट डालने गए तो पोलिंग बूथ में बिजली चली गई, मोबाइल में वोट डाला और दिग्गी राजा तो जनरेटर साथ लेके चल रहे हैं। पता नहीं कब चली जाए अपना जनरेटर अपने साथ। ये कोई दिग्गी है? जब इनके राज में बिजली नहीं होती थी तो नारे लगाते थे नौजवान और बच्चे, जब तक रहेंगे दिग्गी जलती रहेगी दिग्गी। मेरी बहनों, लालटेने खरीद लो, चिमनियां ले आओ, कांच साफ करवा लो, या अंधेरे का युग फिर आने वाला है। बिजली ये नहीं दे रहे, आरोप हम पे लगाते हैं, पूरे मध्य प्रदेश को तबाह कर दिया। शिवराज ने कहा 15 साल की भूखी कांग्रेस की सरकार प्रदेश की जनता पर टूट पड़ी है। साथ ही कहा भ्रष्टाचार कांग्रेस के एनडीए में है, साथ ही तमाम घोटालों के आरोप लगाते हुए नजर आए। कुल मिलाकर शिवराज सिंह पूरे चुनाव रंग में नजर आ रहे हैं, जमकर कांग्रेस पर आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। बहरहाल राजधानी भोपाल में भाजपा अपने गढ़ को बचाने की बड़ी चुनौती में नजर आ रही है, क्योंकि प्रदेश की सियासत के चाणक्य दिग्विजय सिंह लगातार सेंधमारी में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।